दोस्तों, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये साधारण पेड़ नहीं है। ये पेड़ हिंदुस्तान की का भौगोलिक सेंटर पॉइंट है, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। इस पेड़ के चारों तरफ पूरा विश्व फैला हुआ है, और ये भारत का भी केंद्र बिंदु है। और इसका ये यहाँ स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में बकायदे लिखा हुआ है कि ये भारत की यात्रा का केंद्र है। 15/12/87 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पूरा इसका स्मारक है। इस स्मारक के चारों तरफ ये बकायदे इसकी भौगोलिक केंद्र बिंदु की स्थिति बताई गई है। इसका अक्षांश, देशांश, समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई, ग्राम का नाम, और ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा हस्तलिखित उनकी एक कविता है, जो उन्होंने 23 जुलाई 1975 को अपने जेल में लिखी थी। ये उनकी कविता है। उस कविता को यहाँ उकेरा गया है। ये जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक केंद्र है, जो भारत का केंद्र स्थल है। ये बहुत सुंदर नक्काशी यहाँ पर शेर की गई। ये चारों तरफ ऐसे शेर बनाए गए हैं, और स्तंभ तो ये बना हुआ है, लेकिन जो मूल भारत का केंद्र बिंदु है वो इस पेड़ के पास है। ये कदम का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे ऐसा ही स्थान बनाया गया है, और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल एक लावारिस स्थान की तरह है। कोई यहाँ आता नहीं, इसे बना के छोड़ दिया गया है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये सुरम्य प्राकृतिक स्थल, जहाँ आकर मैं आज धन्य हुआ अपने भारत माता की गोद यानी उसके केंद्र में। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आच्छादित है केंद्र। मेरा मन हुआ कि आप सबको भी ये चीज़ दिखाई जाए, तो दिखाते हुए आपको नमस्ते करता हूँ। सलाम।